ओपिनियन दे रहा है कि 140 सीटें कांग्रेस जीत। देखिए वो मोदी साहब ने शुरू करा है कार्यक्रम मन की बात, अब अन्य अन्य लोगों की बातें मन की बात निकल कर आ रही है और सच्चाई बोलने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत विधानसभा में आने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश में एक नया अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वहाँ पर भी उपचुनाव बीजेपी हार गई थी। राजस्थान में यहाँ एक तरह से भाजपा को ध्वस्त किया जनता ने और यहाँ बहुत बुरी हार विधानसभा बाई इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में हुई। उसके बाद एक नए अध्यक्ष की चर्चा हुई, इस्तीफा ले लिया गया, नया अध्यक्ष बना नहीं, कौन बनेगा नहीं बनेगा। अखबारों में जो मैं पढ़ता हूँ उससे दिखता है कि लॉबिंग चल रही है कि किसको बनाना नहीं बनाना, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन प्रदेश में जो मैसेज जा रहा है कि इतनी ताकतवर पार्टी जो सत्ता में है, 160 MLA हैं, 25 सांसद हैं, 2/3 बहुमत है, केंद्र में आपके पूर्ण बहुमत की सरकार है, फिर भी आप नियुक्त नहीं करना चाह रहे, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि कोई बलि का बकरा बनने को तैयार नहीं है, या दूसरा ये कि भाजपा की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि आपस में तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है और समझाइश भी नहीं हो पा रही कि किसको ये जिम्मेदारी देनी है। जो भी जिम्मेदारी लेगा वो जानता है कि 6 महीने के बाद भाजपा का पतन तय है और सरकार बीजेपी की चली जाएगी। स्वाभाविक रूप से ये भी एक कारण हो सकता है कि बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष कौन नया होगा इस पर अभी चर्चा नहीं कर पा रही है। मीडिया के माध्यम से पता पड़ता है कि लोग दिल्ली जा रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में हो उनके लिए बड़ा सरल सा काम होना चाहिए कि अध्यक्ष कौन बनेगा। लेकिन अब आने वाले समय देखते हैं क्या होता है।